बात गुजरात की, जहां आम आदमी पार्टी के चीफ गोपाल इटालिया के बयानों पर विवाद अभी थमा नहीं था कि बिहार में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पीएम मोदी की जाति पर टिप्पणी कर दी। ललन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी डुप्लीकेट अति पिछड़ा है। ललन सिंह की इस टिप्पणी पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया है और इसे अति पिछड़ों का अपमान बताया है। राजनीतिक गलियारों में पीएम मोदी पर टिप्पणी करने का दौर जारी है। पीएम मोदी का परिवार हो या फिर उनकी जाति, विपक्ष इस पर टिप्पणी करने या फिर विवादित बयान देने का मौका नहीं छोड़ रहा है। जेडीयू नेता ललन सिंह ने अब पीएम मोदी की जाति को लेकर टिप्पणी की है। ललन सिंह पटना के जेडीयू कार्यालय में शुक्रवार को मिलन समारोह के दौरान भाषण दे रहे थे और भाषण देते देते उन्होंने जाति का मुद्दा उठाया और पीएम मोदी को डुप्लीकेट अति पिछड़ा बता दिया। ललन सिंह ने ये आरोप भी लगाया, ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं, आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि बीजेपी आरक्षण की विरोधी है। 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है या ओरिजिनल कहाँ से? 1978 में अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने और पहला फैसला किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कि अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में दिया। इसके बाद तो ललन सिंह ने पीएम मोदी को ढोंगी चाय वाला भी कह दिया। ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय उन्हें बेचता है। चाय बनाने तो आता ही नहीं है तो चाय बेचेगा? चाय बनाने आता है वो, तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। ललन सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। पार्टी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ललन सिंह के इस बयान के जवाब में एक ट्वीट किया और लिखा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए डुप्लीकेट पिछड़ा जैसे ओछे शब्द बोलकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने अति पिछड़ों का अपमान किया है। ये बयान पार्टी की पिछड़ा विरोधी सामंती मानसिकता का प्रमाण है। पीएम मोदी की जाति पर जेडीयू प्रमुख की टिप्पणी से जलन द्वेष की जो राजनीति की जा रही है, उसका परिणाम महागठबंधन को 2024 में जीरो पर आउट होकर भुगतना पड़ेगा। खैर, ये पहला वाक्या नहीं है जब पीएम मोदी की जाति और उनके चाय बेचने को लेकर विपक्ष ने टिप्पणी की हो, लेकिन ललन सिंह के बयान के बाद ये तो तय है कि राजनीतिक गलियारों में हंगामा होने वाला है। हाल ही में गुजरात में आम आदमी पार्टी के चीफ गोपाल इटालिया ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं, आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।